मॉर्निंग बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे और ध्यान से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पार्ट वन में अटिल्ला भाग पढ़ा था, अटिल्ला स्टोरी। अटिल्ला के बारे में हमने बताया कि अटिल्ला कैसा दिखने में था, वो कहाँ से उसे लाया गया था और क्यों लाया गया था। आज हम उसी पार्ट का कंप्रेंशन चेक वन क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जानेंगे कि आगे फिर क्या होता है। तो हम अभी चलते हैं कंप्रेंशन चेक वन का क्वेश्चन आंसर करने। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा कंप्रेंशन चेक वन है, जिसका क्वेश्चन नंबर वन है, हाउ डिड द पपी लुक लाइक। पपी जो है दिखने में कैसा था, तो उसका आंसर है द पपी हैड स्क्वायर जॉइस, रेड आइज, ए पग नोज एंड ए मैसिव हेड। पपी का जो है जबड़े चौड़ी, आंखें लाल, चपटी नाक और बड़ा सा माथा था। ठीक है बच्चों, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है, विच नेम दे आर सजेस्टेड फॉर द पप्पी। पप्पी के लिए कौन कौन से नाम के सुझाव आए थे, व्हाट वाज ही फाइनली नेम्ड, और लास्ट में उसका क्या नाम रखा गया। तो इसका आंसर है द सजेस्टेड नेम्स फॉर द पप्पी आर टाइगर, सीजर, फायर, थंडर एंड द पप्पी वाज फाइनली नेम्ड अटिल्ला। पप्पी के लिए आए थे सुझाव नाम के टाइगर, सीजर, फायर, थंडर एंड लास्ट में उसका नाम अटिल्ला रखा गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ ओल्ड वाज द पप्पी व्हेन ही वाज ब्रॉट होम। जब पप्पी को घर लाया गया तो उस समय उसकी उम्र क्या थी। तो उसका आंसर है द पप्पी वाज ओनली ए कपल ऑफ मंथ ओल्ड व्हेन ही वाज ब्रॉट होम। जब पप्पी को घर लाया गया था तो वह कुछ ही महीनों का था। तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक वन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए वैरायटी ऑफ पीपुल एंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे, मेडिकेंट्स, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन एंड फैमिली फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम वेयर वार्मली रिसीव्ड बाई अटिल्ला। द मोमेंट द गेट क्लिक्ड ही बिकेम अलर्ट एंड स्टूड अप लुकिंग टुवर्ड्स द गेट। By the time anyone entered the gate, Attila went blindly charging forward. But that was all. The person had only to stop and smile and Attila would melt. He would behave as if he applauded for even giving an impression of violence. He would lower his head, curve his body, tuck his tail between his legs, roll his eyes and moan as if to say, how sad that you should have mistaken my sister. I only hurried down to greet you. Till he was patted on the head, struck and told that he was forgiven, he would be in extreme misery. Okay, bacho, to main iska pura मीनिंग बताती हूँ। हाँ, अटिल्ला जिस घर में रहता था उस घर में कई प्रकार के लोग रोज़ाना दरवाजे पर आते थे। उसमें कुछ भिक्षुक होते थे, कोई बिल कलेक्टर्स होता था अपने पैसे लेने आते थे, तो डाकिया होते थे, तो कुछ सामान बेचने वाले होते थे, और उनमें से कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी होते थे जो रोज़ाना उस घर में आते थे। जब भी दरवाजे पर कोई आवाज़ होता तो अटिल्ला जो था वो चौकन्ना हो जाता था और गेट की तरफ लपकता था, झपटता था। जैसे ही कोई आदमी उसे देखकर मुस्कुराता तो वह अटिल्ला जो है पिघल जाता था, और वह क्या वह ऐसा बर्ताव करता था जैसे वह अपने किए पर पछता रहा हो, शर्मिंदा हो। और वह तब तक नहीं वहाँ से हटता था जब तक कि वो जो लोग आते थे उसे प्यार से थपथप्पी ना लगा दें उसके माथे पर, तब तक वह जो है उसकी गोद में ही बैठा रहता, अपनी पूंछ को दोनों पैरों के बीच में रख के गर्दन को नीचे करके वो उसकी गोद में ही बैठा रहता, जैसे उसे लग रहा था कि उस आदमी ने जब उसे थपथपी लग जाती तो उसे लगता
कि उस आदमी ने उसे माफ़ कर दिया हो। ओके बच्चों, उसके बाद मैं स्टोरी को फिर आगे पढ़ती हूँ। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट हिज बाउंसिंग एडवांसेस कॉज्ड मच अनहैप्पी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सो व्हेन ही हियर द गेट क्लिक ही हार्डली स्टर्ड ही मियरली लुक्ड इन दैट डायरेक्शन Why not change his name to Blind Worm? Somebody asked. He eats like an elephant, said the mother of the family. You can employ two watchmen for the price of the rice and meat he eats. Somebody comes every morning and steals away all the flowers in the garden, and Attila won't do anything about it. He has better business to do than catch flower thieves, replied the youngest one, the defender of the dog. What is the better business? Well, if somebody comes in at dawn and takes away the flowers, do you expect Attila to be looking out for him even at that hour? Why not? It's what a well-fed dog ought to be doing. Instead of sleeping, you ought to be ashamed of your dog. He does not sleep all night, mother. I have often seen him going round the house and watching all night. Really, does the sneak about all night? Of course he does, said the defender. I am quite alarmed to hear it, said the mother. Please lock him up in a room at night. Otherwise, he may call in a burglar and show him round. Left alone, a burglar might, after all, be less successful. It wouldn't be so bad if he at least barked. The defender was extremely irritated at this. He thought it to be the most unkind view. तो इसकी मीनिंग है बच्चों, जिस घर में अटिला रहता था, जब भी दरवाजे पर कुछ भी आहट सुनता तो वह बहुत उत्तेजित हो जाता था। तो उसकी ये आदत देखकर घर के किसी सदस्य ने कहा कि क्यों ना इसका नाम हम लोग ब्लाइंड वर्म ही रख दें, बेकार का इसका नाम अटिला रखें, ब्लाइंड वर्म ही सही था। तो उस घर की माँ जो है वो बोलती है क्या कि अरे ये इतना खाता है जितना एक हाथी खाता है, इतने में तो दो वॉचमैन आ जाते हैं, जितने पैसों के ये चावल और मीट खाता है उतने पैसों में तो एक दो हम जो है वॉचमैन रख लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो उस घर में एक जो है सबसे छोटा जो सदस्य था, जो उसका डिफेंडर था डॉग का, उसी ने लाया था, वो हमेशा कुत्तों को सबसे बचाता था। वो बोला ऐसा क्यों कहती हो माँ, बिल्कुल भी अटिला ऐसा नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा कि सिर्फ यह अच्छा खाता है और सिर्फ सोता है, काम तो कुछ करता ही नहीं है। एक फूल तोड़ने वाले चोर को तो ये पकड़ ही नहीं पाता, तो ये और काम क्या करेगा, कम से कम इसे भोंकना भी तो चाहिए। तो वो बोलता है जो डिफेंडर डॉग का रहता है, वो बोलता है कि माँ फूल चोर पकड़ने के अलावा भी उसके पास बहुत सारे काम हैं। मैंने देखा है कि वह पूरी रात जगा रहता है और घर के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उस पर माँ ने कहा कि इसे एक रूम में बंद कर दो, नहीं तो ऐसा ना हो कि यह घर के बाहर चक्कर लगाता रहे और चोर चोरी करने में सफल हो जाए, क्योंकि यह तो भोंकता भी नहीं है और हम शर्मिंदा महसूस करेंगे लोगों के सामने कि देखो ये कैसा कुत्ता रखा है जो चोर चोरी करके ले गया और भोंकता भी नहीं है। लेकिन उस घर का जो डिफेंडर रहता है, जो सबसे छोटा सदस्य, वह कुत्तों को हमेशा सबकी बातों से बचाता है और उसका सपोर्ट करता है। वह उस समय कुछ नहीं बोला और चुपचाप प्यार भरी नज़रों से वो अपने अटिला को देखता रहा। तो बच्चों, हमारा आज का पार्ट टू यहाँ ख़त्म होता है। तो कैसी लगी स्टोरी, मज़े तो खूब आए होंगे और आगे जाने की उत्सुकता भी होगी।
तो बच्चों आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट क्लास जरूर देखें, और फिर नेक्स्ट क्लास हम ये जो पार्ट अभी खत्म किए हैं उसका क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे, और कहानी का द एंड भी करेंगे कि आखिर कहानी में ऐसा क्या होता है जिससे वो सभी सम्मान करने लगे अटिल्ला का और डरने भी लगे। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट डे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।